रविवार की रात चोलापुर थाने के करीब स्थित सामुदायिक केंद्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरी की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सामुदायिक केंद्र के अधीक्षक आरबी यादव ने बताया कि देर रात लगभग 2 बजे इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि सामुदायिक केंद्र से 2 लैपटॉप, 2 टैबलेट और 2 बैटरी चोरी हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जब चोलापुर थाने की पुलिस से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना के लिए सामुदायिक केंद्र को जिम्मेदारी से देखरेख करनी चाहिए। डॉक्टर आरबी यादव ने कहा कि डॉक्टरों का कार्य चिकित्सीय कार्य देखना है, न कि चोरों की पहरेदारी करना। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम है कि इलाके में चोरी की घटनाओं के मद्देनजर निगाह बनाए रखें, मगर पुलिस उल्टे ही हमें सतर्क रहने की सलाह दे रही है। देखिए, आज की रात में लगभग 2 बजे के आसपास चोरों द्वारा अस्पताल में घुसकर, और हमारे यहाँ ऑफिस है रमेश सैनी जो कि इमिग्रेशन ऑफिसर के पोस्ट पे हैं यहाँ पे, उनके ऑफिस में घुस करके वहाँ से 1 लैपटॉप तथा 2 टैबलेट उठा लिए गए हैं। उसके बाद चोरों ने मेन गेट के पास ऑफिस है हमारी, उस ऑफिस में घुस करके वहाँ से 2 बैटरी गायब हुई है, 1 इन्वर्टर गायब हुआ है और 1 लैपटॉप वहाँ से भी चुराया गया है। तो इतनी चोरियाँ हुई है हमारे। इसके संबंध में हमने एसओ साहब से बात किया तो एसओ साहब का कहना है कि हम लोग आते हैं तो आपके यहाँ सभी लोग सो रहे होते हैं और उन लोगों को देखना चाहिए। खुद का उनका इंटरेस्ट, मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा कि जिससे वो इसके प्रति गंभीर हों, क्योंकि हमारा काम हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स का काम है मरीजों को देखना और अपना चिकित्सीय कार्य करना, जो पुलिस का काम है। अगर चोरी हो रही है, आए दिन वारदात हो रही है, इसकी सूचना भी दे दी जा रही है, ये देखना उनका काम है। उल्टे वो सारी चीज़ों को अस्पताल के ऊपर मर रहे हैं। देखिए, हमारी तरफ से FIR करा दिया गया है और हम ये चाहते हैं कि जो भी चोरियां आए दिन हो रही हैं इसका भंडाफोड़ हो, चोर पकड़ा जाए, भविष्य में चोरी रुके। और इसके लिए पहले भी हमने मांग कर रखी थी कि हमारे यहाँ राउंड द क्लॉक होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाई जाए सुरक्षा के लिए, लेकिन अभी तक इस पे कोई ठोस पहल नहीं मिली है हम लोगों को। और दूसरी चीज़ यह है कि जब भी यहाँ पे जितनी बार हुई है चोरी है ना, हम लोगों ने सूचना दी है, पिछली बार 1 महीने पीछे भी हुआ था, सूचना देने के बावजूद भी अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इससे बहुत निराशा की स्थिति बनी हुई है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।